आज का वीडियो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति में है। तो इसी में आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल में कि फॉर्मूला देखेंगे और ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका त्रिभुज है जो आपका नियामक ज्यामिति में है। कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है x1y1 x2y2 और x3y3। अब इन्हीं सब को देख करके पहले फॉर्मूला प्रूफ करते हैं और फिर इसके फॉर्मूला बताएंगे, याद करने का तरीका और कैसे आएगा वो सब। देखिए, हमको चाहिए ये वाला बस त्रिभुज ए बी सी, ये तीन, इसका ही क्षेत्रफल हमें चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समलंब चतुर्भुज, ये बड़ा वाला समलंब चतुर्भुज, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके और ये छोटा सा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। जैसे ही घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक है। देखो, हमको चाहिए किसका, तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया चाहिए ट्रायंगल ए बी सी का। तो करेंगे क्या, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज को जोड़ेंगे। एरिया किसका, ट्रेपेजियम, यू गेट ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, इसको जोड़ दो, यानी इसको इसको हम पूरा को लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे इस पूरा को, तो क्या दिखेगा, हमारा ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमको निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम ए बी क्यू पी को जोड़ दिए, अब जोड़ेंगे ए पी आर सी को, अब जोड़ेंगे ए पी आर सी, लेकिन घटाना भी है किसको, बी क्यू आर सी। तो हम इसको घटाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन है, बी क्यू आर सी। अब इसको लिखने के लिए थोड़ा सा बात समझो, फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बताइए इस वाला में समानांतर ये वाला और ये है, तो इसका दूरी हमारा है y2 और ये ऊपर वाला का दूरी है y1 और इसका दूरी हो जाएगा y3, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज को जोड़ना है इसके साइड को, तो ये हमारा y2 है और ये हमारा y1 है, तो हम यहाँ से जोड़ देंगे y2 + y1 गुना, हमको इन दोनों के बीच का दूरी चाहिए, तो जो कि ये वाला, तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो अगर हम x1 में से x2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाला बीच का दूरी प्लस, यानी इसका हमने ए बी क्यू पी का एरिया लिख लिया। अब हमें चाहिए ए पी आर सी का, तो इसके लिए भी करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला हो जाएगा जो कि y1 प्लस और ये वाला हो जाएगा y3 इंटू ये दूरी चाहिए था, तो ये दूरी है x1 और ये दूरी है x3, तो ये हमको मिल जाएगा x3 - x1। अब यहाँ पर बारी है माइनस का, माइनस देंगे हाफ इंटू, अब चाहिए हमको इसका क्षेत्रफल इसका, तो यानी सम ऑफ पैरेलल साइड में ये वाला y2 और ये वाला y3, तो यहाँ लिखेंगे y2 + y3 इंटू, ये पूरा था x3 और ये था x2, तो हमें यहाँ पर हो जाएगा x3 - x2। सब में देखो तो कुछ कॉमन होगा, अब बस फॉर्मूला बन जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। 1/2 सब में कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब निकालने के बाद क्या करो, गुना करो, y2 से करेंगे x1 में, तो या तो हम x1 y2 भी कर सकते हैं, तो ये x1 y2 हो गया। अब माइनस करेंगे x2 y2, अब y1 से x1 में प्लस x1 y1, माइनस में y1 x2, ये हो गया पहले वाले का गुना। 1/2 निकाल लिए थे, अब हमें गुना करना पड़ेगा इसको से इसमें, फिर इसमें और फिर ऐसे, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस x3 y1, फिर आएगा माइनस x1 y1, फिर आएगा प्लस x3 y3, फिर आएगा माइनस,
कितना आएगा, तो y3 x1। अब हमको बारी है ये वाले को करने के, तो जब बाहर में माइनस है तो अंदर में गुना करने के बाद जो प्लस में होता उसको लिखेंगे माइनस में। जैसे ये प्लस गुना हो करके आता y2 x3, लेकिन बाहर में माइनस होने के कारण से ये हो जाएगा माइनस। अभी होना चाहिए था माइनस, लेकिन हो जाएगा प्लस x2 और हो जाएगा y2। फिर अब इन दोनों को करेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर में क्या है, माइनस है, एक्स थ्री वाई थ्री। अब फिर माइनस में होगा एक्स टू, माइनस माइनस प्लस एक्स टू वाई थ्री, ये हो गया। अब देखो कुछ ना कुछ कटने वाला होगा, कटेगा क्या, देखो प्लस एक्स वन वाई वन आई माइनस एक्स वन वाई वन कट गया, प्लस एक्स टू वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू, और यहाँ पर कहीं देखो प्लस एक्स टू वाई टू कट गया, फिर यहाँ पर प्लस एक्स थ्री वाई थ्री, और ठीक है, और कहीं पर देखो माइनस एक्स थ्री वाई थ्री कट गया। अब नहीं कुछ कटेगा, तो अब करना क्या है, वन बाई टू रखना है, छोड़ देना है। यहाँ पर क्या हुआ एक्स वन वाई टू, फिर आगे चलिए कहीं पर आपको मिलेगा एक्स टू वाई थ्री, देखो तो यहाँ पर मिला होगा, प्लस मिलेगा एक्स थ्री वाई वन, कहाँ पर मिला है तो एक्स थ्री वाई वन मिला। अब माइनस में y1 x2 मिलेगा, जो यहाँ पर मिलेगा y1 x2 माइनस में, फिर माइनस में मिलेगा y2 x3, तो y2 x3 कहाँ पर होगा, तो देखिए यहाँ पर y2 x3 माइनस में, अब माइनस मिलेगा y3 x1, जो हमको यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि माइनस यहाँ पर है। अब ये हो गया एक फार्मूला हमको क्षेत्रफल का, ये वाला याद करेंगे कैसे, समझो अगर x वाले प्लस लिखेंगे और y वाला माइनस में, x अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो y होगा 2 से, x 2 होगा तो y 3 होगा, x 3 होगा y 1, यही उल्टा हो जाएगा माइनस में, y 1 होगा तो x 2 होगा और y 2 होगा तो x 3 होगा और y 3 हो जाएगा तो x 1 होगा। अब हम चलते हैं इसी का और भी फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। 1 बाई टू रहने दो, x1 वाला कहाँ है उसको लॉ पकड़ के, तो x1 y2 यहाँ है और x1 वाला यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर आ गया y3 x1 प्लस x2 y3 है रहने दो, तो x2 वाला यहाँ पर है तो इसको ले लिया y1 x2 प्लस x3 y1 को रहने दो और बच गया कौन सा यहाँ पर, तो y2 x3। ठीक है, सिर्फ सजा रहे, इसी को बस सजा दिए, इसको छोड़ दिए और यहाँ को यहाँ ले आए, ठीक है, फिर उसके बाद इसको छोड़ दिए और इसको उठा के ले आए, फिर इसको छोड़ दिए और इसको ले आए, कुछ नहीं किए हैं, बस इतना ही काम किए हैं। अब वन बाई टू, ये दोनों में एक्स वन कॉमन होगा, निकाल दो तो क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर यहाँ पर देखोगे इन दोनों में तो एक्स टू कॉमन निकलेगा, आ जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर यहाँ से हमारा x3 कॉमन निकलेगा और हो जाएगा y1 माइनस y2। ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, अगर हम देखिए हमारे पास 1 2 3 यही है, अगर x1 1 लिए x में तो y में ये दोनों को घटाना है, दो में से तीन, अगर x में 2 लेंगे तो यहाँ से तीन में से एक घटेगा, जब x3 में तीन लेंगे तो हमारा 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला मिला, एक फार्मूला यहाँ पर और एक फार्मूला यहाँ पर। एक और तरीका है, क्या करो 1 बाई टू रखो, और ये क्वाड्रिलेटरल में भी काम करेगा ये फार्मूला, तीन गो था तीनों को रखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब करना क्या है, ऊपर वाला फिर से नीचे कॉमन करना है, अब इसको काटना है तिरछा तिरछा काट करके प्लस में ऐसे के, तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि वन बाई टू रहेगा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री, जो काटा उसको प्लस में रखना एक्स थ्री वाई वन। अब माइनस में हमें देना होगा उल्टा वाला, इधर वाला माइनस में, तो जगह वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स वन, ये हमें मिलेगा फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यही फार्मूला तो हमको ऊपर दिखा था, देखो तो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला और इसको देखो मिला करके दोनों मैच करेगा,
कोई फ़र्क तो नहीं रहा, तो ये वाले से हम बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, ध्यान में थोड़ा समझना। अगर हम ये कहें कि ट्रायंगल है तो बोलेगा सही है, इसका यहाँ वाला पॉइंट यहाँ है तो इसको आधार मानेंगे तो ये हो गया ऊंचाई, तो क्षेत्रफल तो मिला। लेकिन का ऐसा हो कि ये वाला बिंदु यहाँ आ जाए तो अब ऊंचाई क्या हो गया, घट गया, तो क्षेत्रफल घटेगा। अगर और ऊंचाई कम कर दे तो क्षेत्रफल घट जाएगा। और अगर सोचो ये बिंदु इसी पर आ जाए, यानी कि एक ही लाइन पर सारे बिंदु आ जाएं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए याद रखेंगे, अगर तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो संरेख होंगे, तो हम कह सकते हैं कब, जब हम क्षेत्रफल निकालें और क्षेत्रफल कितना हो जाए, जीरो, तब कहेंगे कि तीनों बिंदु आपस में संरेखीय हैं। इतना से ज़्यादा आपको इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अब क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, 10 मिनट गई है। टाइम से मतलब नहीं रखना, मतलब रखना है कि हमें समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो हम फिर से देखेंगे, टाइम तो निकल जाएगा, तो फिर से दोबारा टाइम नहीं आ सकता है, ठीक है। और एक बार ऐसा पढ़ो कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो जाए। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, पहले करते क्या हैं, तो हम एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज, क्या हो गया हमारा त्रिभुज ड्रॉ हो गया, ठीक है। त्रिभुज में अगर हम देख रहे हैं तो नाम दे दो, ए बी सी। ए में हो 2-3 और बी में -1-0 और सी में 2-4। सोचो ये हमारा तो होगा x1 y1 फॉर्मूला के अनुसार, और ये हमारा होगा x2 y2, और ये हमारा होगा x3 और y3। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फॉर्मूला में हमने सीखा था क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखना, x1 पहले लिखना, फॉर्मूला था ना, x1 into y2 minus y3। x2 लिए थे तो y3 minus y1, और जब x3 लिए थे तो y1 minus y2। इसी को यूज करते हैं 1/2। x1 कितना होगा देखो, तो यहाँ पर 2 है। y2 कितना होगा, 0, और y3 कितना होगा, -4, तो -+। x2 कितना है, -1, y3 कितना है, -4, और y1 कितना है, 3। x3 कितना हो गया, 2, y1 कितना है, 3, और y2 कितना है, 0। जो भी है लिख दिए, 1/2, 2 into 0 + 4, 4, यह आ जाएगा -1, 4-3 7 माइनस में, +3 × 6, ध्यान देना, ये 1/2, 8, -++7+6, 8 × 7 = 15, 6 कितना, 21, और नीचे में कितना है, 2, यानी कहेंगे 10.5 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई, क्षेत्रफल था इसीलिए वर्ग इकाई लिखना पड़ता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो अब इसके बाद हमारा बारी आता है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो यहाँ के ऊपर में दिया गया है, ठीक है। एक मेथड तो इससे बता दिए, अब एक मेथड हम बताते हैं उस वाले से जो कि x2 गुना करने वाला है ना, x1 y1 ऐसे करके उसको से। तो चलो इसके लिए ये हम मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, फॉर वैल्यू याद रखना बाबू, पूछेंगे x3 y3। सेकेंड मेथड, सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाया जा सकता था, नहीं बनाना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना दो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 और y3 x1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/2 x1 कितना है, -5, y2 कितना है, योग्य x1 और योग्य y2, -5, +x2 कितना है, ये वाला 3
देख लो ऊपर लिखा हुआ है, और इनटू वाई थ्री कितना है यहाँ पर, दो, एक्स थ्री कितना है, पाँच, और वाई वन कितना है, माइनस वन। अब देना है माइनस, वाई वन कितना है, माइनस वन, एक्स टू कितना है, तीन, माइनस वाई टू कितना है, माइनस पाँच, एक्स थ्री कितना है, पाँच, वाई वन वाई थ्री कितना है, माइन टू, और एक्स वन कितना है, माइनस पाँच। देखिए वन बाई टू, माइनस माइनस प्लस पच्चीस, प्लस छः, माइनस पाँच, ये माइनस होगा प्लस तीन, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस पच्चीस, और माइनस माइनस प्लस दस। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पच्चीस पच्चीस पचास, पचास और दस साठ, साठ और ये दोनों मिला के एक, इकसठ और तीन चौंसठ, जिसको काटेंगे तो बत्तीस स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर वन बन गया है 7.3 का। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, एक दो ही क्वेश्चन था मात्र। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। ठीक है, के मान ज्ञात करना है जिससे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी। संरेखी का मतलब है कि आप क्षेत्रफल निकालिए लेकिन उसका क्षेत्रफल बराबर कर दीजिएगा जीरो, और जैसे जीरो करोगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू निकल करके। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन ट्रायंगल तो होगी नहीं, तो एक काम करते हैं ट्रायंगल ना करके एक हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन, लाइन ये खींचा भी गया। तीनों पॉइंट लिखिए, ए सेवन माइनस टू, बी पाँच एक, सी तीन के। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अप्रोच है और सब्जेक्टिव के लिए अलग। अब इसमें करना हमें क्या है, इसको मान लेंगे एक्स वन वाई वन, इसे मान लेंगे एक्स टू वाई टू, और इसे मान लेंगे एक्स थ्री वाई थ्री। अब यहाँ पर करना क्या है, क्षेत्रफल बराबर करना है जीरो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वन बाई टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, और एक्स थ्री में वाई वन माइनस वाई टू, और बराबर में क्या बोला जीरो। कहाँ से बोला, इसको से, क्योंकि ये संरेख है तो जीरो होगा। अब वन बाई टू टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जला जाएगा। एक्स वन की जगह पर सात, वाई टू हो जाएगा वन, और वाई थ्री हो गया के। एक्स टू की जगह पर है पाँच, यहाँ पर मिलाते चलो, इंटू वाई थ्री हो गया के, वाई वन हो गया कितना माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, एक्स थ्री हो गया थ्री, वाई वन हो गया माइनस टू, और वाई थ्री है, वाई टू है माइनस वन, बराबर जीरो। यहाँ से सात माइनस सात के प्लस पाँच के प्लस दस, यहाँ से माइनस छः और माइनस तीन बराबर जीरो। माइनस नौ कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, देखो सात प्लस और प्लस दस सत्रह, सत्रह में से नौ घटा दो तो कितना जगह आठ प्लस में, और दोनों घटाते माइनस में टू के बराबर जीरो, तो आठ बराबर टू के कटिया चार बार में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई चार। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो एक तो हम ये फॉर्मूला से बनाएं, दूसरा कैसे बना सकते हो ट्रिकली, ये दूसरा का क्वेश्चन है। क्या करो, एट वन के माइनस चार दो माइनस पाँच, ऊपर वाला एक बार फिर से लिख दिए, अब बराबर क्या करना है जीरो। इसको क्या करो, गुना करो, आठ चौका बत्तीस माइनस में, गुना करें माइनस में पाँच के, और ये गुना करेंगे प्लस में दो। इसी प्रकार से अब उल्टा करना है, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस के,
माइनस माइनस प्लस 8 और फिर माइनस माइनस प्लस 40 बराबर 0। 32 में से 2 जाएगा, माइनस 30 बचेगा। माइनस 30 और 40 करेंगे प्लस 10 बचेगा। प्लस 10 और 8 कितना होगा, 18 होगा। माइनस 5 के और 1 के माइनस 6 के बराबर 0, तो 18 बराबर 6 के, और ये कट जा कितने बार में, 3 बार में, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहाँ गया, 3 नहीं है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का इसमें कुछ क्वेश्चन अलग ऐसा टाइप दिया है ना, जो कि बिना क्वेश्चन नंबर दिए और इसमें आंसर लाना है। देखिए, कहता है कि शीर्ष आपका एक त्रिभुज पहले होगा और इसमें त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा बड़ा सा, ठीक है। अब ये त्रिभुज तो यहाँ आ गया, अब देखते हैं। देखिए, तीनों त्रिभुज, ये त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का नाम लिखो, ए 0-1, बी 2-1, सी 0-3। इस अब ये इसको हम तो जानते हैं कि x1 y1 है। कहता है कि शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो सभी के मध्य बिंदु पर हमें काट लेनी है। और इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो इसका नाम दे दो डी ई एफ। अब क्या करो, डी निकालो, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके बटा दो, तो 2+0 2 और 2 बटा कितना होगा, 2+0/2 कामा 1 प्लस, लेकिन माइनस है तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2/2 0/2 तो कितना हो गया, ये तो कट जाएगा 1 बार में, तो ये आक आ गया 1 और ये 0/2 कितना, 0। इसी प्रकार से हम ई निकालना चाहते हैं, तो कितना होगा, 2+0/2 और 1+3/2, तो ओवरऑल हमें देखने को मिला 2/2 और 4/2, यानी हो गया 1,2। तो ये वाला हमारा जो एक बिंदु है वो 1,2 है। इस प्रकार से अब हमें एसी के मध्य बिंदु एफ निकालना होगा। तो एफ के लिए क्या करेंगे, 0+x1+x2/2 और y1+y2/2, तो ये तो हो गया 0/2 और 2/2, तो ये हो जाएगा 0,1, यानी ए पॉइंट मिल गया 0,1। अब हमें जब ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी हमको तीनों वर्टेक्स पता हो गया। जब क्षेत्रफल हमें चाहिए तो हाफ लगाएंगे और लाइन खींचेंगे, क्या था 1, 0, फिर 1, 2, 0, 1, और ऊपर वाला कॉपी नीचे में करना है। अब देखो 1/2 रहेगा ब्रैकेट, ये दोनों गुना करेंगे 2, गुना करेंगे +1 और ये हो जाएगा 0। माइनस उल्टा करेंगे तो 0, माइनस ये भी करेंगे तो 0 और ये गुना करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से 1/2, 2+ और ये वाला कट जाएगा तो 0, यानी कि 1/2 × 2 ओवरऑल कट जाए कितना जाएगा 1, तो 1² यूनिट आएगा। कोई दिक्कत, तो ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा था और ये चैप्टर 7.3 का कंप्लीट होता है, लेकिन इसका ही कुछ सोल्व एग्जांपल है, उसको भी कर लेते हैं, ताकि उस सोल्व एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट और हो सकता है कि वो आ जाएगा। तो इसलिए पेशेंस के साथ रखो और थोड़ा सा और, जब 24 मिनट बर्दाश्त कर लिए हो, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो और सारे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो सोल्व एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इतना है। तो सोल्व एग्जांपल में आपको थ्योरी दिया होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं।
वन बाई टू, वन माइनस वन, वैल्यूज सिर्फ क्या करना था, लिखना था, हम यहाँ पर लिख देते हैं और ऊपर वाला फिर से नीचे कॉपी करना होता है, वन बाई टू। अब काटो, छः काटो, माइनस माइनस प्लस तो बीस, फिर इस जगह माइनस माइनस प्लस तीन, इधर से करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस फार्मूला में होता है। फिर यहाँ से छः तीन अट्ठारह माइनस में, लेकिन माइनस होने के कारण से क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस प्लस फिर जाएगा प्लस, कितना, पाँच, वन बाई टू। अब देखो सिर्फ चार घटा है तो इसको क्या मान लो, चौदह, ठीक है। अब तुम इस बताओ, बीस और चौदह चौंतीस, चौंतीस और छः तीस, ऐसा चालीस, चालीस और पाँच पैंतालीस, और तीन कितना हो गया, अड़तालीस। जब काट देंगे तो आ जाएगा कितना, चौबीस, तो अंदर आंसर हो जाएगा चौबीस स्क्वायर यूनिट। ये था उदाहरण नंबर ग्यारह, ये आसान भी था। अब उदाहरण नंबर बारह कहता है इसके बाद कि बिंदुओं से मिलने वाले बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो फिर तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब सेम टू सेम है, तो आप इसको बनाएंगे। उदाहरण नंबर तेरह, बिंदुओं पी क्यू आर से बनने त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सब वही है, हटाइए। अच्छा चलिए बनाते हैं, शॉर्ट बनाने में कोई देरी भी नहीं लगेगा, बना लेते हैं। देखिए वन बाई टू लगाना है, पाँच दो चार सात, सात माइनस चार, ऊपर वाला कॉपी कर लो। देखो इधर काटेंगे तो पैंतीस, इधर काटेंगे माइनस सोलह, यहाँ होगा प्लस चौदह। अब उल्टा हमको लिखना है, इधर से माइनस आठ, माइनस उनचास, माइनस माइनस प्लस बीस, यहाँ से आ गया वन बाई टू। देखो यहाँ पर 16 में से 14 घटा दो, माइनस दो आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा संतावन, संतावन में से अगर हम 20 को घटा दें, माइनस में है, संतावन में से 20 को घटाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 37, और इसको दोनों को जब घटाते हैं तो माइनस में आ जाएगा दो। तो देखो ये भी माइनस दो और ये भी बचा था माइनस दो, तुम लोग जोड़ कर सकते हो, तो ये वन बाई टू और माइनस चार, तो ये कट करके जब आ जाएगा दो, कितना, माइनस दो। लेकिन हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अतः क्षेत्रफल जो हमारा होगा मॉडुलस माइनस टू, मतलब कितना, दो स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 होता है। 13 नंबर देखते हैं, देखो कुछ तो फर्क पड़ा, माइनस तो अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया था, क्या माइनस आ गया, तो इसको डायरेक्ट हटा कर क्या बना दिए, प्लस में। अब इसको देखते जरूर इसको में कुछ ना कुछ बातें तो होगी, तभी तो एग्जांपल में दिया माइनस 1.53, 6 माइनस 2 माइनस 3 और 4 माइनस 1.5 और 3, कोई बात नहीं है, गुना करो, माइनस माइनस प्लस और डेढ़ दोनों हो गया 3, यहाँ करेंगे प्लस 24, यहाँ करेंगे तो माइनस में 9, उल्टा करेंगे माइनस 18 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 15 चौका 60 यानी कि 6, ये तो कट गई, ये कितना हो गया 1/2 27 और 9 18 भी 27, ओवरऑल कितना आ गया 1/2 इंटू 0 और ये क्या हो गया 0/2 बराबर 0। यानी कहेंगे कि ये बिंदु से त्रिभुज ना बन करके ये तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं क्योंकि एक ही लाइन पर था, ठीक है, संरेखीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं इसमें ऊपर कर लेते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बना रहे हैं ना, क्योंकि ये तो सॉल्व एग्जांपल है, आप लोग बना सकते हो, सॉल्व एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं हमेशा। संरेखीय तो क्या बताएं, इसको ऊपर में सब लिख दो, 4k 6 माइनस 3 और ऊपर वाला फिर से नीचे, अब बराबर क्या करना था, 0।
काटिए इधर इधर के, तो k इंटू टू, टू के माइनस 12 प्लस 18। अब इधर के काटो, माइनस 12 और माइनस 6 के माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। देखो यहाँ पर माइनस 12 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 2 और माइनस 6 माइनस 4 के, अब 12 6 18 6 24 प्लस में बराबर कितना 0। ये दोनों कट गया, माइनस 4 के बराबर 0, तो के बराबर कितना 0। इसलिए के का मान भी कितना जाएगा 0। तो बोलेंगे संरेखित है तो हमको के का मान आ गया 0। एक बार चेक कर सकते हो, 2 के माइनस 12 प्लस 18 माइनस 12 माइनस 6 के प्लस 6, तो 2 में से 4 गया तो माइनस 4 के माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 और ये प्लस 24, ठीक है। तो के का मान कितना गया 0। अब आते हैं लास्ट में, एक क्वेश्चन है तो इसको दो तरीके हैं, या तो जब आपको चतुर्भुज रहता है तो ऐसे खींच करके दो को, तो एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट से एक त्रिभुज, एक पॉइंट दो पॉइंट और तीन पॉइंट से दूसरा त्रिभुज, ऐसे भी बना सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट सिंपल 1/2 लिखो, सबको लिखो 5 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4 5, ऊपर वाला एक बार लिखना होता है, लिख लेंगे। अब करना क्या है, 1/2 तो रखते हैं, इधर से गुना करो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 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 यहाँ पर प्लस ही रहेगा, फिर हो जाएगा प्लस में 24, गुना करना है, इधर से हो जाएगा माइनस में 5, फिर आ जाएगा प्लस में 28 माइनस। अब उल्टा यहाँ पर लिखो, माइनस माइनस प्लस 28, फिर माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 24, फिर आ जाएगा यहाँ पर 25। देखो 1/2 रहने दो, 25 25 50, 24 24 47, ये दोनों कटा, माइनस 5 माइनस 10, 1/2 48 प्लस 78, तो कितना हो गया 1/2, 8 8 16, 7 5 12 एक 13, काट दो 6 और 8 68, तो आंसर कितना 68 आ गया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, चतुर्भुज है तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एंड, अगला जो पढ़ेंगे चैप्टर 7.4 पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारा ऐच्छिक होगा।